चल रहा है, हम लोग बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट देखेंगे। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट होता है सबसे पहले बात कि इसका जो सब्सट्रेट होगा वो ये डाइकीटोन होगा, इधर भी पीएच होगा और इधर भी पीएच होगा, मतलब इधर भी फिनाइल है इधर भी फिनाइल, और ये डाइकीटोन अगल बगल दो की। तो इसमें जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस डाल, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये रीअरेंज कर, रीअरेंजमेंट में होगा क्या, इनमें से तो एक इस पीएच को सिलेक्ट करने पे दोनों तरीके वाले हैं, ये पीएच यहां से जब करके माइग्रेट करके यहां से, और जो अल्टीमेट का फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आपका ये। ये मैंने आपको सबसे बता दिया, ये रिएजेंट होगा और ये होगा, इसका नाम तो ऐसे आईपीएसी नंबर नीचे हम लोग कर सकते हैं, बट इसका जो कॉमन नाम है ये होगा बेंजाइन, बेंजाइन वाई में भी आई, और इसका नाम हो जाता है बेंजाइलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक एसिड। ये रहा सबसे, ये रहा, अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या, ये हमारा सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट के अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप है और ये हमारा OH ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा रिएक्शन में जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और कार्बोनिल ग्रुप हैल्डोल कंडेंसेशन, ग्लाइसिन कंडेंसेशन वगैरह में निकलता है, उस केसेस में अल्फा हाइड्रोजन, पर जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो कार्बोनिल का एक पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम है कैनिजरोज रिएक्शन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो कैनिजरोज रिएक्शन नहीं होगा, पर समवॉट सिमिलर टू कैनिजरोज रिएक्शन आप समझ सकते हैं। कैनिजरोज रिएक्शन में हाइड्राइड का माइग्रेशन होता है, यहाँ हाइड्राइड नहीं होगा, यहाँ नए माइग्रेशन। तो देखते हैं मैकेनिज्म, ये रहा हमारा सब्सट्रेट, मैं फिर से एक बार बना लेता हूँ, और ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस को अगर H प्लस मिलता है एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है तो OH माइनस उस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल दे, पर अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे, मतलब OH माइनस को देखिए पहले एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है तो उसे दे दे, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरे न्यूक्लियोफाइल बनाकर अटैक करा दे। तो क्योंकि यहाँ हम लोग को एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिला है तो हम लोग OH माइनस को बेस की तरह नहीं देखेंगे, अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल की तरह देखेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, कार्बन को कार्बन पे अटैक करेंगे, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या बनेगा, ये पीएच सी डबल ओ ओ माइनस ओ एच पीएच। अब ये एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन माइनस, तो ये स्टेबल नहीं, ये ओ माइनस दोबारा से डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, बनाने समय जब ये वापस आएगा तो किसी एक को जाना, इस केस में होता क्या है, ये वापस आता है और ये चला, अब ये जाएगा तो कैसे जाएगा, ये जाएगा तो पीएच माइनस की तरफ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर क्योंकि ये ओ माइनस से बदला, तो ये पीएच माइनस का फर्क है, जब ये पीएच माइनस क्रिएट होगा तो ये भी कोई कार्बन प्लस ढूंढ रहा होगा अटैक करने के लिए, तो दिस पीएच माइनस इस कार्बन प्लस पे चला, और जैसे ये पीएच माइनस इस कार्बन प्लस पे आएगा इस बॉन्ड को खुलना होगा, जब ये बॉन्ड खुल जाएगा तो हमारा ये पीएच सी ओ माइनस, ये पीएच यहाँ माइग्रेट कर चुका है, ये हो गया C डबल बॉन्ड O O R H, हम लोग देखें ये पीएच यहाँ माइग्रेट कर, अब ये अल्कोहलिक है और ये कार्बोक्सिलिक, हम लोग को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड, तो ये जो हाइड्रोजन है ये
और ये हाइड्रोजन मिलेगा अल्फा वाले बॉन्ड को, तो यहाँ पर ये बनने वाला है OH C डबल बॉन्ड O माइनस हुआ क्या यहाँ पर H यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा स्ट्रॉन्गर एटम से वीकर एटम, तो इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफर प्रोटॉन ट्रांसफर, तो यही हमारा फाइनल पॉइंट होगा। इसको अगर हम लोग को हाइड्रोजन देना है तो हम लोग क्या करेंगे एसिडिक थोड़ा डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे, कौन सा एसिड ऐड करेंगे एनी एसिड व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा और फाइनली आपको ये मिलेगा। अभी बाद में H प्लस डालना होगा, यहाँ मैंने OH माइनस किया, रिएक्शन कराने के बाद आप H प्लस डालिए तब ये COH C डबल बॉन्ड O OH और यह चलाएगा PH, इसका नाम हो गया बेंजाइलिक एसिड, इसका नाम हो गया बेंजाइल, तो ये बेंजाइलिक एसिड रिएजमेंट है।